नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मार्वल अपने चाहने वालों को पहले ही ब्लैक पैंथर 2 के साथ खुशखबरी दे चुका है। अब इसी के साथ एक और जानकारी सामने आई है जो सिंगर रिहाना के फैंस के लिए किसी ट्वीट से कम नहीं है। दरअसल पॉप सिंगर रिहाना लंबे समय के बाद आखिरकार फिर से संगीत की दुनिया में वापसी कर रही है और उन्होंने अपने नए गाने की अनाउंसमेंट भी कर दी है। रिहाना मार्वल की ब्लॉकबस्टर सीक्वल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के शुरुआती सिंगल लिफ्ट मी अप के साथ संगीत की दुनिया में वापसी कर रही है। दरअसल वह ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के सॉन्ग में नजर आएंगी। ये सॉन्ग चैडविक बोसमैन के जीवन और विरासत को श्रद्धांजलि है। गाने को फिल्म से पहले 28 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। रिहाना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गाने की एक झलक भी शेयर की है। बता दूं कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म डायरेक्टर रियान कुगलर की 2018 की उनकी फिल्म का ही दूसरा भाग है, जिसे ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया था। रियान ने ब्लैक पैंथर चैडविक बोसमैन के लिए एक और सीक्वल लिखा था, लेकिन 2020 में कोलन कैंसर से जूझने के बाद चैडविक बोसमैन की मृत्यु हो गई थी। बता दूं कि ब्लैक पैंथर 2 की स्टार्टिंग में हमें चैडविक बोसमैन का फिल्म रोल दिखाया जाएगा, जिसके बाद ये मूवी आगे प्रोग्रेस करेगी। अब देखो, वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तभी से ऑडियंस इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज इस फिल्म में हमें एक नया ब्लैक पैंथर दिखने वाला है। और इसी के साथ इस मूवी से नेमोर का इंट्रोडक्शन भी मार्वल मूवीज में होने वाला है और अब ब्लैक पैंथर वर्सेस नेमोर की फाइट के लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या राय है ये आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और बी टाउन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।